आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी उल्लू का पट्टा। इसे लिखा है मशहूर राइटर सहादत हसन मंटो ने। हालांकि मैंने इस कहानी को थोड़ा सा रेडियोफाई किया है ताकि आप ज्यादा मजा ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुसलखाने की तरफ चला। अभी वो गुसलखाने तक पहुंचा भी नहीं था कि तभी बरामदे के पास वो अचानक ठहर गया। उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई। ख्वाहिश ये कि वो किसी को भी एक बार यूं ही बस उल्लू का पट्टा कहते। अजीब बात थी, उसे भी लगी, लेकिन ख्वाहिश तो अंदर से आती है तो बस आ गई। उसका दिल कह रहा था कि बस सिर्फ एक बार गुस्से में या मजाकिया अंदाज में किसी को बस एक बार उल्लू का पट्टा कहते बस। भाई साहब, कासिम के दिल में इससे पहले भी कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश हुआ। हालांकि जिंदगी में उसके सब ठीक था। रात को उसे बड़ी प्यारी नींद आई थी, वो खुद को बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे उसके दिल में दाखिल हो गई? दांत साफ करते वक्त उसने जरूरत से ज्यादा वक्त लगाया, मसूड़े छिल गए। असल में वो ये सोचता रहा कि यह अजीबो गरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। बीवी से भी बहुत खुश था, उनमें कभी लड़ाई तो हुई नहीं थी। नौकरों पर भी वो नाराज नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श उनके जो नौकर थे वो दोनों खामोशी से काम करने वाले बहुत ईमानदार नौकर थे। अच्छा, मौसम भी ठीक ठाक था। फरवरी के सुहाने दिन थे, ताजगी थी, हवा में खुनक थी। दिन छोटे थे न रात लंबी थी, नेचर का बैलेंस बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी ठीक थी। समझ में नहीं आता था कि किसी को बगैर वजह के उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों पैदा हो गई, पता नहीं। कासिम ने अपनी जिंदगी के 28 बरसों में कई लोगों को उल्लू का पट्टा कहा होगा, और बहुत मुमकिन है कि इससे भी बड़े बड़े लफ्ज उसने कुछ खास मौकों पर इस्तेमाल किए हों और गंदी गालियां भी दी हों। मगर उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौकों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, वो तो बस अचानक से दिल में आया और कह दिया। मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहना चाहता है, और ये ख्वाहिश धीरे धीरे तेज होती गई। जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्टा नहीं कहा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कासिम फिलोसोफर टाइप का आदमी था, वो हर बात पे गौर करने वाला था। आईना मेज पर रखकर वो आराम कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्टा कहने को जी चाहता है, मगर ये कोई बात तो नहीं हुई ना, मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूं, मैं किसी से नाराज भी तो नहीं हूं। ये सोचते सोचते उसकी नजर सामने दरवाजे के बीच में रखे हुए हुक्के पर पड़ी। अचानक उसके दिल में आया, अजीब वाहियात नौकर है, हाँ? देखो दरवाजे के बीचों बीच में हुक्का टिका दिया। अरे मैं अभी इसी दरवाजे से अंदर आया हूं, अगर ठोकर से चिलम गिर पड़ती तो आग लग सकती थी, कालीन। तभी अचानक उसके दिल से एक आवाज आई कि गुलाम मोहम्मद को फौरन आवाज दो, और जैसे ही वो भागा भागा सामने आए तो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके उससे कहो, तुम निरे उल्लू के पट्टे हो क्या, हाँ? ये हुक्का कोई रखने की जगह यहाँ पे? लेकिन उसने थोड़ा वक्त लिया और सोचा, यूं बिगड़ना अच्छी बात नहीं है। अगर गुलाम मोहम्मद को अभी बुलाकर उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो वो बात तो पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये तो मैं बनाकर कह रहा हूं, और फिर उस बेचारे का कोई कसूर भी तो नहीं है, मैं दरवाजे के पास बैठकर ही तो रोज हुक्का पीता हूं। लिहाजा वो खुशी जो एक लम्हे के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्टा कहने का एक अच्छा मौका तलाश लिया है, वो गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में अभी काफी देर थी, पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रखकर कासिम अपने रोजाना के टाइम टेबल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का पीने लगा। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं को देखता रहा, लेकिन जैसे ही हुक्के को छोड़कर कपड़े बदलने के लिए वो साथ वाले कमरे में गया तो उसके दिल में फिर वही ख्वाहिश पैदा होने लगी। कासिम घबरा गया, अरे भाई हद हो गई, उल्लू का पट्टा, भाई हद हो गई, उल्लू का पट्टा, अरे भाई मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूं, और मान लो मैंने किसी को कह भी दिया तो क्या होगा। कासिम दिल ही दिल में हंसा भी, उसका दिमाग नहीं खराब था,
उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये ख्वाहिश जो उसके दिल में पैदा हुई है ये बिल्कुल बेहुदा और बेसिर पैर की है। लेकिन वो करे तो क्या करे, जितना इस ख्वाहिश को दबाता था वो उतना ही उभरती जाती थी। हालांकि कासिम अपने बारे में ये जानता था कि वो बिला वजह किसी को उल्लू का पट्टा नहीं कहेगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन इसी उधेड़ बुन में पैंट की जिप की जगह पर लगे हुए बटन बंद करते वक्त ऊपर का बटन नीचे के गाज में लगा दिया तो वो खुद पर झल्ला उठा। ये क्या पागलपन है, उल्लू का पट्टा कहो, उल्लू का पट्टा कहो, अरे ये पैंट के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। कपड़े पहनकर वो मेज पर बैठा। उसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याले उसके सामने रख दी, टोस्ट पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना की तरह हर चीज ठीक ठाक थी, टोस्ट अच्छे सिके हुए थे, बिल्कुल करारे, डबल रोटी भी बढ़िया थी, खमीर में खुशबू आ रही थी, मक्खन भी साफ था, चाय की केतली बेदाग थी, उसके हैंडल के कोने पर कासिम हर रोज एक मैल देखा करता था, आज वो धब्बा भी नहीं था। तो आखिर वो कैसे कह दे किसी को उल्लू का पट्टा। उसने एक चाय का घूंट लिया, उसकी तबीयत ही खुश हो गई। लीजिए खालिस दार्जिलिंग की चाय थी जिसकी महक पानी में भी बरकरार थी, दूध की क्वांटिटी भी बिल्कुल सही थी। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है, बड़े सलीके से बनाई लग रहा है। बीवी सुनकर खुश हुई लेकिन फिर उसने मुंह बनाकर स्टाइल में कहा, हाँ भाई आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई, वरना रोज तो आपको नीम घोल के पिलाई जाती है। और भाई मुझे कहाँ सलीका आता है, सलीके वलीके तो वो मुई होटल की छोकरियों के हैं जिनके आप हर वक्त गुनगाए करते हैं। लीजिए साहब। ये तकरीर सुनकर कासिम की तबीयत थोड़ी कड़वी जरूर हुई। एक लम्हे के लिए उसके जीव में आया कि चाय की प्याली मेज पे उलट दे और नीम जो उसने अपने बच्चों की फुंसियां धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी उसे ही घोल कर पी ले। मगर उसने सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया। फिर सामने वाले ताक पर जहां नीम के पत्ते धूप में रखे थे उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा देखो वो आज नीम के पानी से बच्चे की टांगे ज़रूर धो देना, हाँ नीम जख्म के लिए बहुत अच्छी होती है, और देखो वो तुम मौसमियों का रस ज़रूर पिया करो, मैं दफ्तर से लौटते हुए और मौसमियाँ ले आऊँगा। हाँ भाई ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ बीवी पिघल गई, मुस्करा कर बोली, आपको तो बस हर वक्त मेरी ही सेहत का ख्याल रहता है, अच्छी भली तो हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। अच्छा सुनिए, मैंने जो आपके लिए बादाम मंगवा के रखे हैं भाई, आज 10-20 आपकी जेब में डाले बगैर आपको नहीं जाने दूंगी, और हाँ सुनिए दफ्तर में कहीं बांट ना दीजिएगा किसी को। कासिम खुश हो गया कि चलिए मौसम्बियों के रस और बादामों ने उसकी बीवी के झूठ मूठ के गुस्से को दूर कर दिया और ये मसला हल हो गया। चाय पीकर उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुल गई और उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने ही वाला था कि फिर अचानक रुक गया। दिल के अंदर से आवाज आई, किसी को उल्लू का पट्टा तो बोलो। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं उल्लू का पट्टा, बोलो बोलो उल्लू का पट्टा। अरे यार, कासिम का दिमाग खराब होने लगा, ये क्या चल रहा है। पर इस बार उसने सोचा, अगर मैं किसी को उल्लू का पट्टा कह दूं तो हर्ज भी क्या है, अपने होठों से धीरे से ऐसे बोलूंगा उल्लू का पट्टा, तो शायद ये जो अंदर से बार बार आवाज आ रही है ये खामोश हो जाए। तो बस तो वो चलने लगा कि तभी उसने देखा कि कमरे में बैठने की जगह बच्चे का कमोड रखा हुआ जिसमें बच्चा पॉटी करता है। अब ये तो भाई सख्त बदतमीजी थी, और खासकर उस वक्त कि जब वो नाश्ता कर चुका है और खुशबूदार कुरकुरे टोस्ट और तले हुए अंडे का जायका अभी तक उसके मुंह में था। उसने जोर से आवाज दी, गुलाम मोहम्मद। कासिम की बीवी जो अभी तक नाश्ता कर रही थी बोली, गुलाम मोहम्मद बाहर गोश्त लेने गया, क्या हुआ, कोई काम। बोल दे गुलाम मोहम्मद उल्लू का पट्टा है, बोल दे, बोलता क्यों नहीं है। कासिम के मन से आवाज फिर आने लगी, वो हक्का बक्का आवाज सुनने लगा, क्या हुआ, कुछ कह रहे थे क्या गुलाम मोहम्मद को, बीवी की आवाज गूंजी। कासिम चौंक गया, बीवी के सामने इस तरह गाली गलौज करना ठीक बात तो नहीं है। बोला, मैं उससे ये कहना चाहता था कि दफ्तर में मेरा खाना जो है वो 1:30 बजे ले आया करे, तुम्हें जल्दी खाना बना के भेजना पड़ता है, क्यों तकलीफ देना भाई, हाँ आराम से ले आए। ये कहते हुए उसने बीवी की तरफ देखा और सोचा कि बीवी फिर से खुश होगी, लेकिन इस बार बीवी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, गुस्सा था। कासिम ने गौर से देखा कि बीवी नीचे देख रही थी उस सिगरेट को जो अभी अभी बोलते बोलते कासिम के हाथ से फिसल कर कालीन पर गिर गई थी, और कालीन बस जलने ही वाला था। अरे ये कैसे गिर गया पता नहीं। अरे कासिम ने जल्दी से सिगरेट उठाई, कासिम ने पैर उठाकर अपने जूते के तले से जल्दी से सिगरेट का टुकड़ा बुझाया और गुसलखाने में रखी एस्ट्रे में फेंक दिया और बाथरूम को जल्दी से अंदर से बंद कर लिया।
दरवाजा लगाकर सोचा। शुक्र है मैंने नौकर को वो दरवाजे पर हुक्का रखने के लिए उल्लू का पट्टा नहीं कहा, क्योंकि उससे बड़ी गलती तो मेरी थी, बीवी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। अरे क्या हुआ, आप अंदर क्या कर रहे हो भाई? बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए बीवी की आवाज अंदर आई। कासिम चौंक पड़ा। कुछ नहीं, बस वो दफ्तर का वक्त हो गया क्या? आ रहा हूं। कहते हुए उसने बाथरूम की चिटकनी पकड़कर नीचे खींची कि तभी चिटकनी का एक पेंच निकलकर जमीन पर गिरा, और ठीक उसी वक्त दिल से फिर वही आवाज आई, बोल दे शमीम को उल्लू का पट्टा, बोल दे जो दरवाजा ठीक करने के 40 रुपए ले गया था, बोल दे उसे उल्लू का पट्टा, अभी बोल बोल। वही ख्वाहिश जहन में फिर से तड़पने लगी, पर उसने किसी तरह से काबू किया और फिर सोचा कि क्यों ना बीवी को बता दे कि एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश उसके जहन में सुबह से शोर कर रही है। पर सोचा कि फिर कहीं बीवी उसे पागल ना समझ ले, ऐसे किसी ठीक ठाक दिमाग वाले के साथ तो नहीं होता, और यह भी तो हो सकता है कि वो ये सुनकर मेरे ऊपर खूब हंसे। नहीं भाई, जगह साई नहीं करवानी, कोई बात उसके पेट में यूं ही नहीं रुकती है, शाम तक अपने सारे भाई बहनों को पूरे खानदान को बता देगी। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, मजाक नहीं बनवाना भाई। कासिम बाहर निकला तो बीवी ने बच्चे का कमोड उठाकर कोने में रख दिया था। बोली, आज सुबह आपके बरखुरदार ने इतना तंग किया है कि अल्लाह की पनाह, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे कमोड पे बिठाया, वरना उसकी मर्जी तो यही थी कि वो बिस्तर खराब करे। आखिर लड़का किसका है? कासिम एक मिनट के लिए चौंका। तो वो कमोड तुमने वहां रखी थी? हाँ, और क्या करती वो तो। नहीं, मैं समझ गया, ठीक किया तुमने, और बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन अब खैर चलो मैं निकलता हूँ, ख्याल रखना, खुदा हाफिज। कहते हुए कासिम जल्दी से बाहर निकल गया और रास्ते भर यही सोचता रहा कि चलो अच्छा हुआ नौकर को कमोड वहां रखने के लिए गाली नहीं दी, वरना बेकार जाती, गलती उसकी थी ही नहीं। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, और वैसे भी वो जो मन से आवाज आ रही थी बार बार, वो तो बहुत देर से नहीं आई है, शायद मामला सुलट गया है, चलो ठीक हुआ। कासिम कश्मीरी गेट से निकलकर निकलसन पार्क के पास से गुजर रहा था, दफ्तर जा रहा था, तभी उसे एक दाढ़ी वाला आदमी नजर आया। एक हाथ में खुली हुई शलवार थामे वो दूसरे हाथ से इस्तिंजा कर रहा था। बताइए, आसपास से लोग शर्मिंदा नजरें लेकर गुजर रहे थे। अरे लहीम शहीम दाढ़ी वाला आदमी था और शलवार खोले यूं ही खड़ा हुआ था। अब तो बोल दे उल्लू का पट्टा इसको, अंदर से फिर वही आवाज आई, बोल दे इसको उल्लू का पट्टा। कासिम अचानक ठहर गया, उसने चौंक के देखा कि यह आवाज सिर्फ उसी को आ रही है या बाकी लोग भी सुन रहे हैं। अरे अब इसे तो उल्लू का पट्टा बोल दे उल्लू का पट्टा। कासिम ने इस बार कोशिश भी की, पूरी ताकत समेटी और उल्लू कहने के लिए होंठ गोल किए, तभी उसने सोचा, लेकिन यार मैं इस फुटपाथ पे जा रहा हूं और वो दूसरे फुटपाथ पर है, अगर मैंने बुलंद आवाज में इसको उल्लू का पट्टा कहा भी तो वो थोड़ी चौंकेगा, इसलिए कि वो तो कमबख्त अपने काम में बुरी तरह से बिजी है, बड़े डूब के पेशाब कर रहा है, तौबा तौबा, और इस तरह मेरी आवाज बाकी सब लोग सुन लेंगे, बस वही नहीं सुनेगा जिसे मैं कहूंगा, और ये कोई शरीफ आदत नहीं है कि बीच सड़क पर दर्जनों लोगों के सामने गाली दी जाए। भाई शरीफाना अंदाज तो यही है कि उसे कायदे से समझाया जाए कि भाई साहब देखिए एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जो हैं वो उल्लू के पट्टे हैं। तो कासिम ने दूर से चिल्लाकर गाली देने का इरादा छोड़ दिया, पर ठीक इसी वक्त सड़क पर उसके पीछे एक साइकिल नमूदार हुई। कॉलेज की एक लड़की उस पर सवार थी, पीछे बस्ता बंधा हुआ था। आनन फानन में उस लड़की के कपड़े फ्री व्हील के दांतों में फंसे। लड़की ने घबराकर अगले पहिए का ब्रेक दबाया और एकदम साइकिल बेकाबू हुई और झटके के साथ लड़की साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी। कासिम ने चौंक कर देखा, लड़की साइकिल समेत सड़क पर लेटी हुई थी। कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाने में देर नहीं की। अरे अरे संभाल कर, ओहो लगी तो नहीं, उठिए। अरे कहते हुए कासिम उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन लड़की जो सड़क पर गिरी हुई थी साइकिल उसके पैर पर थी। कासिम ने जल्दी से साइकिल को हटाया और उसके कपड़े का एक कोना जो चेन में फंसा हुआ था उसे बाहर निकाला। आपको आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ उठिए, हाथ छोड़िए मेरा, पीछे हटिए, लड़की अचानक चिल्लाई। एक से बढ़कर एक हैं, इतनी बड़ी साइकिल नहीं दिख रही इनको। अरे तब से घंटी बजा रही हूँ, चिल्ला भी रही हूँ कि भाई हटो हटो, लेकिन ये आदमी है जो सड़क के बीचों बीच खड़ा है और पता नहीं उस तरफ एक आदमी को देख रहा है जो पैजामा पकड़े हुए। देखिए वो आप गलत समझ रही हैं, मैं असल में हटिए रास्ते से।
कहते हुए वो लड़की अपनी साइकिल उठाकर आगे बढ़ी और चलते हुए पीछे पलटकर धीरे से बुदबुदाई, उल्लू का पट्टा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा सुनकर। इस कहानी के बारे में कोई भी फीडबैक हो तो वो हमें ज़रूर दें। और आपसे वही गुजारिश फिर से है कि अगर आप इस कहानी को स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो हमारी कहानी को रेटिंग ज़रूर दें। शो पर जाएं, वहां पर आपको एक स्टार का साइन दिखेगा, उसे आप क्लिक करें। जितने भी स्टार आप देना चाहते हैं उसे दें, और साथ ही साथ हमारे शो को फॉलो भी करें, वहां पर एक फॉलो का भी बटन है। तो ये दो काम आप ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप स्टोरी बॉक्स को इतनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है नितिन रावत ने। तो अगले इतवार आपसे फिर होगी मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा। Thank you.